नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोगों का वर्डपैड स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्डपैड क्या होता है, उसके बाद हम लोग वर्डपैड में काम करना सीखेंगे। ओके, तो वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट और नंबर वाला, मतलब ABCD, चाहे वो स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो, और नंबर वाला मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये सब, तो ये सब टेक्स्ट होते हैं। तो हम लोग वर्ड पैड में वर्ड से संबंधित हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप इसमें लेटर तैयार कर सकते हो, आप इसमें किसी भी प्रश्न को टाइप कर सकते हो, उसके बाद प्रिंट कर सकते हो। यानी कि ये टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ना कि आप फोटो एडिट कर सकते हो, ये चीजें आप नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, जो कि नोटपैड से ज्यादा पावरफुल है। ये जो वर्डपैड है ये नोटपैड से ज्यादा पावरफुल है। मतलब नोटपैड में तो कुछ ऐसा ऑप्शन था नहीं, बस ऐसे ही नोट करते जाओ बस, लेकिन ये जो वर्डपैड है ये नोटपैड से ज्यादा पावरफुल है। ये विंडो के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। मतलब आप विंडोज 10 यूज करते हैं, 7 यूज करते हैं, 8 यूज करते हैं, XP यूज करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको वर्डपैड दिया जाता है। लेकिन अब वर्डपैड के कौन सा वर्जन दिया जाता है ये तो आपके विंडोज पर डिपेंड करता है, क्योंकि विंडोज 10 में थोड़ा सा एक दो ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाता है, विंडोज 7 में कुछ अलग होता है। तो आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना है। ये जो वर्डपैड का सॉफ्टवेयर है ये आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ये दिया हुआ साथ में रहता है। जब हम नया PC खरीदते हैं, है ना, या कोई भी विंडोज जैसे 7, 8, 10 अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है, क्योंकि ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? वर्डपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि अलग से हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। आप चाहो तो अगर वर्डपैड का कोई और वर्जन यूज कर सकते हो इंस्टॉल करके, लेकिन ये दिया हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि वर्डपैड को कैसे ओपन करेंगे और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। देखो ये तो मेरा इमेज पैड है, देखो ऐसे मैं वर्डपैड को क्लोज कर देता हूं। देखो ये मेरा इमेज पैड है। मान लो कि हमें वर्डपैड ओपन करना है, तो एक तो ऑप्शन आप जानते हैं, पहले मैंने बताया था कि आप यहां पे सर्च कर सकते हो और ये जो आपका वर्डपैड खुलेगा इसको आप ओपन कर सकते हो, राइट। दूसरा कि जो सबसे आसान तरीका है जो आपको भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा टैलेंट लगता है कि हाँ आप में टैलेंट है, तो आप विंडोज R दबाओ, ये रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें आप लिखो वर्डपैड। क्या लिखना है आपको इसमें? इसमें लिखना है वर्डपैड, और बस आपको इंटर करना है, आपके पास वर्डपैड खुल जाएगा। अब जब वर्डपैड खुला तो कहां पर क्या होता है, किसको क्या कहा जाता है, किस ऑप्शन से क्या यूज किया जाता है, हम लोग टीचर लेवल तक चलेंगे। मतलब क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट आपको बता दें कि भैया ये ऐसे पैराग्राफ टाइप बनता है, ऐसे लेटर टाइप होता है, ऐसे फॉर्मूलाज लिखा जाता है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया जाता है, ऐसे किसी वर्ड को फाइंड किया जाता है, तो ये कुछ अलग हो गया। लेकिन टीचर लेवल क्या होता है कि हम लोग हर एक ऑप्शंस को पढ़ेंगे, कहां पर क्या होता है, कहां पर कैसे इस्तेमाल उसको करते हैं, A to Z ऑप्शन देखेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, एमएस पेंट में मैंने A to Z बताया, नोटपैड में सारे ऑप्शंस को बताया, तो उसी तरह से वर्डपैड में भी बताऊंगा। तो जो चीजें पहले क्लियर हो गया था वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जैसे देखो ये ऊपर में देखो, इसको क्लॉज कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज कहते हैं, इसको मिनिमाइज कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था एमएस पेंट में नोटपैड में कि क्या होता है। अच्छा, नीचे जो आपका दिख रहा है ये जूम लेवल है, है ना, ये आप जूम आउट कर सकते हो और इससे जूम इन कर सकते हो, ये भी एमएस पेंट में मैंने बता रखा है क्या होता है, आप उसको देख लो। उसके बाद देखो ऊपर में ये जो आपका दिख रहा है डॉक्यूमेंट वर्डपैड, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये हमारा फाइल का टाइटल है, ठीक है ना, इसको कहते हैं टाइटल बार, मैंने ये भी बता रखा है आपको सेम टू सेम। उसके बाद ये भी आपको था क्विक एक्सेस टूल बार, ये अंडू रीडू और सेव, सारा मैंने एमएस पेंट में बता रखा था, तो A to Z मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, तो इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब बात करो यहां पे, ये फाइल मेन्यू है, ये होम मेन्यू है, ये व्यू है, ये सभी को मेन्यू कहते हैं। ये आपका फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू के अंदर वही ऑप्शन है जो एमएस पेंट में था, और उसके बाद होम में ये वाला ऑप्शन है और व्यू मेन्यू में ये है। तो ऐसे हम लोग बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखेंगे, जो पहले मैं बता चुका हूं वो मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। चलो आगे, अब सबसे जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो हमारा व्हाइट एरिया दिख रहा है इसको कहते हैं वर्क एरिया, मतलब हम इसी में वर्क करेंगे,
इसके बाहर हम लोग वर्क नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हम लोग इसी में काम करेंगे, राइट। क्या करेंगे? अगर कुछ भी करेंगे तो हम लोग इसी में काम करेंगे, ठीक है ना जी। तो देखिए, तो ये हो गया वर्क एरिया। तो भाई जब ये वर्क एरिया है हमारा, वर्क एरिया देखो यहां से स्टार्ट होता है। देखो मैं अब टीचर लेवल पर जा रहा हूं, आपका वर्क जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ये यहां से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट है, लेकिन जब हम कुछ काम करना शुरू करते हैं तो वहां से क्यों नहीं शुरू होता? देखो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूं। देखो तो जब हम कोई काम कर रहे हैं तो देखो कहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है यहां तक, है ना। देखो बस देखो यहां से कहां से शुरू हो रहा है, देखो आप खुद देख सकते हो। देखो यानी आपका जो काम है वो यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक एंड हो रहा है, लेकिन आपका जो पेज है वो यहां से शुरू हो रहा है। तो स्टार्ट कहां से होना चाहिए था? स्टार्ट यहां से होना चाहिए था और लास्ट में यहां तक आना चाहिए था, लेकिन यहां तक नहीं आ रहा है। आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है? आपका हो रहा है भाई यहां से शुरू हो रहा है और आपका जो है से यहां तक जा रहा है, यानी कि है ना दिक्कत। तो वो कैसे होता है, क्यों हो रहा है? तो देखो समझो, एक एक बात को समझो आप। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। भाई ये जो भायट एरिया है वो तो आपका वर्क एरिया है, लेकिन ऊपर में आपका ये जो लगा हुआ है ये आपका देखो रूलर्स है। क्या ये रूलर्स है? तो सबसे पहले हम लोग रूलर्स के बारे में समझेंगे, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब जूम करके देखोगे तो यहां पे देखो ये कुछ ऐसा बना हुआ है। देखो ये वाला क्या है, ये वाला देखो मैं हटाता हूं और फिर से आपको बताता हूं। देखो ये वाला मैं कह रहा हूं, ये देखो ऊपर में ये है शेप, एक ये शेप बना हुआ है छोटा सा, एक ये है। मैं दिखाता हूं आपको, एक इमेज ओपन कर लेता हूं, जो मैं इमेज रखा हूं आपको समझाने के लिए। देखो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखो इसको इतना। देखो अब देखो ध्यान से देखना इसको, कि ये जो इमेज है आपका, ठीक है, इस इमेज में वही चीज दिखाया जा रहा है जो ऊपर में ये था। देखो ये वाला है ना, ये ऐसा शेप बना हुआ है। मैं इसी के बारे में बात करूं, पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे पूरा डिटेल्स में, ठीक है, राइट। तो देखो ये वाला है, ओके। अब जो सबसे ऊपर में आपका ये शो कर रहा था, ये छोटा वाला शेप, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग, बताओ इसको क्या कहेंगे? ये आपका हो जाएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन इंडेंट, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद अगला जो है, जो ये है, ये वाला जो है बीच में, ये वाला, ठीक है ना। तो बीच वाला क्या कहेंगे? हैंगिंग इंडेंट। और जो सबसे नीचे में है उसको क्या कहेंगे? लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे, इसका यूज करके देखेंगे, है ना। क्योंकि हमने क्या बोला, जो सबसे ऊपर में है, जो सबसे, अगर आपको इसको जांच करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लो और देखो अपनी खुद वो लिखेगा। ये सबसे जो ऊपर में है ये देखो क्या लिखेगा, मैं दिखा रहा हूं, वहां पे छोड़ रहा हूं माउस कर्सर, ये यहां पे छोड़ रहा हूं, ये शायद नहीं लिख रहा है कभी कभी, हाँ देखो नीचे वाला क्या लिख रहा है, नीचे वाला लिख रहा है हैंगिंग इंडेंट। और जो थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो क्या लिखेगा वो, थोड़ा सा वेट करो, नहीं है, मैं यहां करता हूं, मैं आपको एक न्यू पे लेता हूं, उसमें आपको दिखाता हूं फ्रेश में जूम करके। अब देखो यहां पे क्या लिखेगा, ये आपका लेफ्ट इंडेंट, जो सबसे नीचे में है, जो सबसे नीचे है उसको लेफ्ट इंडेंट, और थोड़ा सा ऊपर जाओ हैंगिंग इंडेंट, और थोड़ा सा और ऊपर जाओ ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, है ना। तो यानी कि ऊपर वाला जो हो गया उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। मैं यूज करके दिखाऊंगा कि आखिर फर्स्ट लाइन इंडेंट को कहां पर यूज किया जाता है, लेकिन आपको समझना कि ये जो सबसे ऊपर में है उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये जो बीच में है उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, और जो सबसे नीचे है उसको कहते हैं लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। लेफ्ट, हैंगिंग और फर्स्ट लाइन। तो देखो इसमें वही है, ऊपर वाला फर्स्ट लाइन, ठीक है, और नीचे बीच में जो है उसको हैंगिंग, और जो सबसे नीचे में उसको लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट इंडेंट। चलिए अब देखिए, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो बीच में देखो यहां पे कुछ दूरी खाली है, यानी आपका स्टार्ट पैराग्राफ यहां से होगा और आपका जो पैराग्राफ जो एंड होगा वो होगा यहां तक, यानी कि देखो यहां से स्टार्ट होगा लिखना और आपका यहां तक जाकर के एंड हो जाएगा, यानी कि यहां से शुरू हुआ तो यहीं तक जाएगा, लेकिन ये जो बचा हुआ भाग आपका मिला, ये इधर में इतना भाग बचा और इधर इतना बचा, ये इसको कहते हैं मार्जिन। इधर वाला क्या हो जाएगा? इधर वाला हो गया आपका लेफ्ट मार्जिन। क्या हो गया? ये हो गया आपका लेफ्ट मार्जिन। और इधर जो इतना खाली है
उसको हो गया आपका राइट मार्जिन, क्या हो गया ये राइट मार्जिन हो गया। तो इतना जो जगह खाली हुआ उसको आप कहोगे राइट मार्जिन, और इतना जो जगह खाली हुआ वो हो गया लेफ्ट मार्जिन। हम लोग इसको काम ज्यादा कर सकते हैं वो हम लोग धीरे देखेंगे। तो देखो आपने इतना जगह को छोड़ दिया लेफ्ट में और राइट में इतना जगह को छोड़ दिया, इसी वजह से जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो यहां से हो रहा है और आपका जो पैराग्राफ है वो यहां पर जाकर के इन हो जाएगा। तो अब इसको चाहते हैं कि भैया ये पैराग्राफ जो है वो यहां तक चला आए और यहां से शुरू हो, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, मान लो कि हम क्या करते हैं, ये कुछ वर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, यहां से इतने वर्ड को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग इसमें पेस्ट कर देते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है रूलर्स और आपका जो रूलर्स है वो यहां इन हो रहा है, इसलिए यहां से होकर के यहां पर खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा सीखेंगे। अब मान लो कि थोड़ा ध्यान देना, हमारा जो माउस का कर्सर है वो सबसे लास्ट में है, या मान लो माउस का जो कर्सर है वो सबसे ऊपर है, यू पर है। अब माउस का कर्सर आप यू के पास ले जाओ, और यू के पास ले जाने के बाद अब क्या करो, जो सबसे ऊपर में है जिसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, इन्हें कहते हो, तो आप इसको खींच के आगे लेकर जाओ, यहां पर ले जाकर छोड़ दो। देखो तो क्या हुआ, यह हुआ कि हमारा जो फर्स्ट लाइन था वो आगे गया, यानी कि फर्स्ट लाइन इंडेंट है, तो क्या हुआ कि हम अपने यहां पे लाइन को आगे ले जा रहे हैं, यानी फर्स्ट लाइन इंडेंट से हमारा फर्स्ट लाइन आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब देखो क्या होगा, मैं बैक कर लेता हूं, कंट्रोल जेड से बैक आता हूं। अब देखो अब क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला जो है जिसको कहते क्या कहते हैं क्या बीच में हैंगिंग कहते हैं, और नीचे क्या होगा राइट, वो ऊपर तो फर्स्ट लाइन हो गया, नीचे वाला होगा राइट राइट इंडेंट और बीच में हैंगिंग इंडेंट। तो पहले हम लोग हैंगिंग समझते हैं। तो अब हम जैसे ही हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक करके इसको खींचेंगे आगे की ओर, मान लो आपने तीन प्रकार, देखो क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आया, यानी कर क्या रहा है कि अगर आप मान लो कि चौथे लाइन में हो, और अगर आप चौथे लाइन में हो, आपका जो माउस का कर्सर है वो चौथे लाइन में है, और अगर आप ऊपर पर ये जो सबसे ऊपर वाला जो है जिसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, अगर आप इसको क्लिक करके आगे की ओर ले जाओगे, तो देखो ये फर्स्ट लाइन ही आगे जाएगा, क्योंकि इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, क्योंकि ये जो पूरा है ये आपका पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा एक पैराग्राफ है, ऐसा नहीं है कि ये अलग पैराग्राफ है ये अलग पैराग्राफ है। तो ये क्या करता है, जो ऊपर वाला जो इंडेंट है जिसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो ये आपके पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को इंडेंट करता है, ऊपर वाला जो है वो आपके पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को इंडेंट करता है। मान लो आपका माउस कर्सर चाहे दूसरी लाइन पे हो, या माउस का कर्सर तीसरी लाइन पे हो, चाहे माउस का कर्सर चौथी लाइन पे हो, जब भी आप ऊपर वाला खींचोगे तो ये हमेशा फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगा। समझ में आ गया यहां पे? हाँ, अगर क्या करोगे, अगर मान लो कि आप ये लिखते हो इंटर, ये लिखते हो इंटर, ये लिखते हो इंटर, तो ये क्या हो गया, ये आपका तीन पैराग्राफ हो गया। यानी कि पैराग्राफ क्या होता है, जब हम कुछ भी मैटर को लिखते हैं और लिखते 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 जैसे ही हम लोग इंटर दबा देते हैं तो हमारा पैराग्राफ वहां पर एंड हो जाता है। जैसे क्या हुआ कि हम लोगों ने स्टार्ट किया, यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टू बाय चूजिंग अ लुक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द क्विक एक्सेस क्विक स्टाइल गैलरी ऑन द होम टैब। यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट टेक्स्ट डायरेक्टली बाय यूजिंग द ऑर्डर कंट्रोल्स ऑन होम टैब। तो ये आपका जो स्टार्टिंग हो रहा था ये आपका एंडिंग डायरेक्टली के पास है, यानी कि यू से स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली आपका एंड पॉइंट हो गया, तो ये पूरा पैराग्राफ हुआ। तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो क्या करता है कि आपके पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को इंडेंट करता है। लेकिन ये जो नीचे वाला है ये आपका एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ और ये तीन पैराग्राफ है। तो अगर आप दूसरे लाइन पर रहोगे और अगर आप यहां पे क्लिक करोगे तो ये आपका दूसरा लाइन होगा, देखो ये आपका दूसरा लाइन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तीन पैराग्राफ है। और अगर आप यहां माउस का कर्सर आपका रहेगा और अगर आप इसको करोगे तो ये आपका आगे क्यों ले जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये आपके पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को इंडेंट करता है। अब आया नेक्स्ट में, जो बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, हैंगिंग, हैंगिंग है ना, बीच में आया उसको, आप अगर भूल जाते हो तो आप यहां से जाकर के इसको देख सकते हो कि यहां पर यह क्या लिखता है, ठीक है ना, आप भूल जाओगे तो हैंगिंग, ठीक है ना।
तो ये आपका हैंगिंग यूनिट कहलाता है। अब इसको यूज करके हम देखते हैं, मैंने वाटपैड यहां पर ओपन किया। अब देखो, मान लो कि आपका जो माउस का कर्सर है वो आपका सेकंड लाइन पे है, थर्ड लाइन पे है, या फोर्थ लाइन पे है, या तो फिफ्थ लाइन पे है। लाइन चाहे जैसा हो लेकिन आपका जो पैराग्राफ है वो कितना है, वो आपका पैराग्राफ केवल एक ही है, है ना। लाइन तो पांच है लेकिन पैराग्राफ एक ही है। तो मान लो कि हम है द के पास, और हम क्या करते हैं, जो बीच वाला है जिसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। अब आप इसको अगर आगे की ओर लेके जाओगे, देखो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट लाइन को छोड़ करके बाकी के सारे लाइन को वो इंडेंट कर देगा, यानी कि फर्स्ट लाइन को छोड़ करके बाकी सारे लाइन को ये इंडेंट कर देगा। क्यों कर दिया, क्योंकि ये आपका पूरा पैराग्राफ है। अगर मान लो कि आप नीचे कुछ और लिख देते हो, मान लो नीचे कुछ और आपने लिखा, तो ये जो है ऊपर ये आपका पहला पैराग्राफ है और ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। तो अगर मान लो आप पहले पैराग्राफ में हो, आप पहले पैराग्राफ में हो और अब वो यूज करोगे हैंगिंग इंडेंट, तो क्या करेगा, देखो ये आपका पहले पैराग्राफ को ही करेगा, यानी पहले पैराग्राफ के पहले लाइन को छोड़ करके बाकी सारे लाइन को ये इंडेंट कर देगा, नीचे वाले पैराग्राफ को ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ को इंडेंट करता है। लेकिन हां, अगर आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लोगे, आप अगर आप उसको हैंगिंग यूज करोगे तब क्या करेगा, देखो फिर भी वही कर रहा है। आप मान लो इसमें यहां पे क्या करो, आप इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दो। अब नीचे पेस्ट कर दो, ये देख लो इतना हो गया, एक और पेस्ट कर दो। अब क्या करो कि इतने को सिलेक्ट कर लो, अब यूज करो ये हैंगिंग टूल, तो अब लेकर जाओ, देखो क्या हो रहा है, आप खुद से इसको देखो। ये हमेशा क्या करेगा, आप चाहे एक पैराग्राफ को कीजिए, दो पैराग्राफ को कीजिए, आप जितने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे वो उतने पैराग्राफ को हैंगिंग करेगा, लेकिन वो फर्स्ट लाइन को छोड़ ही देगा। देख रहे हो ना, जैसे ये जब पहला पैराग्राफ था और पहले पैराग्राफ में जब आप हैंगिंग का यूज कर रहे हो तो पहले लाइन का छोड़ रहा है, दूसरे पैराग्राफ में अगर आप हैंगिंग कर रहे हो तो ये फिर छोड़ रहा है। लेकिन उसी तरह से अगर आप दोनों को सिलेक्ट कर रहे हो, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद, मैं इसको डिलीट करता हूं, ये दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप हैंगिंग यूज कर रहे हो तो क्या कर रहा है, ये दोनों में पहले लाइन को छोड़ दे रहा है। यानी कि पैराग्राफ चाहे 10 को सिलेक्ट करो, चाहे आप 15 पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, चाहे आप 5 पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, आप जितने को सिलेक्ट करोगे वो पहले लाइन को छोड़ देगा। यही यूज होता है हैंगिंग इंडेंट का, यानी कि पहले लाइन को छोड़ देगा, बाकी को करेगा चाहे जितना सेलेक्ट करो। आगे है आपका जिसको कहते हैं राइट इंडेंट। क्या कहते हैं इसको राइट इंडेंट कहते हैं। अब इसको यूज करके देखो, मान लो आप यहां पर हो और आप राइट इंडेंट का यूज करोगे तो देखो क्या होगा, देखो ये क्या कर रहा है, ये समझ सकते हो कि हम इसको यूज करते पूरे को ले जा रहा है। यानी ये वाला ऑप्शन है, ये ऐसा ऑप्शन है जो कि अगर आप इतने को सिलेक्ट करोगे और अगर आप इसको क्लिक करोगे और आगे की ओर ले जाओगे राइट की तरफ, तो ये पूरे को ले जा रहा है। देखो जो जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ही ये लेकर जाएगा, देखो है ना, ये इस तरह से है, राइट, इसको ये यूज होता है, ठीक है। अच्छा आगे यूज करेंगे हम लोग। अब देखो ध्यान से, अब अगर आप जूम करोगे तो यहां पर देखो क्या बना हुआ है। देखो यहां पर एक है, एक यहां पर है, एक के बाद देखो एक छोटा सा है ना, ये देखो छोटा सा, ये क्या होता है, ये इंच, ये आपका जो है ना ये रूलर्स है। यहां पर देखो ये यहां पे है, उसके बाद टू है, फिर टू थ्री और टू के बीच में ये है, थ्री और फोर के बीच में ये है ना। तो आप यहां पर समझ रहे हो कि भाई ये बीच में है, ये रूलर्स है, ये इंचेस में है। अभी हो सकता है ये चेंज करने का ऑप्शन दिया हो, शायद व्यू में देख लेते हैं मेजरमेंट, ये अभी इंचेस में है। यहां पे देखो सेंटीमीटर्स है, पॉइंट्स है यहां पे, तो ये मेजरमेंट है। तो अभी मेरे को वो नहीं समझना है, अभी मेरे को ये समझना है कि ये जो है आपका रूलर्स है। अब हम लोग थोड़ा सा रूलर्स में भी छेड़छाड़ करना सीखते हैं कि कैसे क्या होता है, राइट। देखो तो सबसे पहले एक को देखो, ये जो एक है ये इसका फिक्स, ये क्या है, ये आपका फिक्स पोजिशन है। क्या है, फिक्स पोजिशन है। और ये जो बीच में है ये भी इसका फिक्स पोजीशन है, और मान लो कि दो से तीन के बीच में ये वाला फिक्स पोजीशन है जिसको कहते हैं फिक्स टैब। मतलब ये जो आपका हो गया, वो हो गया टैब पोजीशन,
क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं टैब पोजिशन। अब टैब पोजिशन क्या होता है मैं वो समझा रहा हूं। देखो जैसे क्या करो, आप यहां पे लिखो यहां पे आर्या, जब आप यहां पे आर्या लिखोगे और जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो आपका फिक्स क्या था, अभी मान लो कि एक पर है या दो पर है, ये तो मैं खुद से करूंगा ठीक है, लेकिन आप अभी पहले समझ लो, आपने लिखा आर्या, जैसे ही आप टैब दबाओगे तो आपका जो माउस कर्सर है वो फिक्स हुआ है यहां पे, तो आप मान लो यहां लिखो बी, अब अगला जो टारगेट है वो है एक पर, तो जैसे ही आप टैब दबाओगे तो आप एक पे पहुंच जाओगे, मैंने यहां लिखा सी, फिर टैब दबाओगे डी, टैब दबाओगे ई, टैब दबाओगे एफ, टैब टी, टैब यू, टैब, देखो बीच में जगह छोड़ रहा है, यहां पे ध्यान से देखोगे तो जगह छोड़ रहा है, देखो क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि देखो क्यों छोड़ रहा है, यहां देखो यहां से स्टार्ट हुआ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां, अगला टैब पोजिशन यहां, अगला टैब पोजिशन यहां, अगला टैब पोजिशन यहां, उसके बाद अगला टैब पोजिशन यहां, यानी कि ये जो टैब पोजिशन है ये बाय डिफॉल्ट है, ये हमने खुद से नहीं किया है, ये बाय डिफॉल्ट इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, जो कि टैब पोजिशन ये फिक्स है, जब भी आप कीबोर्ड में टैब दबाओगे तो ऑटोमेटिक वो उतना पोजिशन पे जाएगा। तो इसी को हम लोगों को सीखना है कि भाई हम अपने टैब पोजिशन को कैसे फिक्स करेंगे। क्या होता है कि जब हम कोई भी नाम को इसमें लिखते हैं, मान लो आपने ए लिखा तो जब आप टैब दबाओगे तो फिर बी लिखाएगा, फिर टैब सी लिखोगे, टैब डी ई, तो ये इक्वल में होगा, जैसे ही आप इंटर दबाओगे फिर लिखोगे पी, टैब क्यू, टैब आर, टी भी, देखो इंटर, देखो ये टैब से क्या फायदा हो रहा है, टैब से आप यहां पे देख सकते हो किस तरह से हम यहां पे लिख पा रहे हैं, तो इसी का यूज करते हैं टैब में, ये इक्वल में होता है, लेकिन इसकी जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, इतनी है, मतलब ये ज्यादा दूरी पर नहीं है। क्यों नहीं है ज्यादा दूरी पर, क्योंकि आपका जो टैब पोजिशन है, आपका जो टैब पोजिशन है वो इतना है कि आपको यहां से शुरू हो रहा है, यहां इंड हो गया, यहां इंड हो गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पहले से किया गया है। तो इसी को चेंज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस रूलर्स का। देखो कैसे करेंगे, जैसे ही आप मान लो कि आप चाहते हो कि यहां पर हमने कुछ लिखा और यहां पर नहीं लिखा है, इतनी दूरी पे लिखा है, यहां पे लिखा है, फिर चाहते हो कि यहां पर लिखा है, फिर चाहते हो यहां पे लिखा है, तो आपको इतनी दूरी में टैब को पोजिशन देना होगा, इसको है ना, इतनी दूरी में आपको इस टैब की पोजिशन को फिक्स करना होगा। तो चलिए इसको हम फिक्स करके देखते हैं कैसे इसको फिक्स किया जाता है। तो देखो क्या करो, आप जैसे ही एक पे जाओगे और यहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे देखो एल लग जाएगा, एल है ना, उसके बाद फिर से यहां जाओगे तो टू पे नहीं करोगे, मान लो आप करोगे टू के बीच में, आप यहां पे क्लिक करोगे यहां भी एल लग जाएगा, और मान लो दूसरा टैब लगाना है यहां पे, देखो आपने कितना टैब लगाया, आपने एक टैब लगाया, दो टैब लगाया और आपने तीन, तो तीन नहीं है बल्कि चार है, क्योंकि देखो आप जब लिखना शुरू करोगे तो यहीं से ना होगा, हां अगला जो टैब है वो यहां पर है, अगला ये यहां पे, अगला ये और फिर अगला, फिर वही है, मतलब बाय डिफॉल्ट फिर से सेट हो रहा है, तो आप फिर इंटर कर देना, नीचे आ जाओगे, तो हमने इस टैब को सिलेक्ट कर लिया। आप देखो लिखते हैं, मान लिखना हम लिखे यहां पे अमन टैब, मदन टैब, गोपाल टैब, जूली टैब, तो ये हो गया, आप देख सकते हो, तो ये टैब हमने फिक्स किया। अब मान लो आपको जरूरत नहीं है तो इंटर करो, फिर लिखो मीना टैब, सूर्या टैब, ठीक है ना, उसके बाद मान लो कि आपने लिखा दीपक यहां पे, और उसके बाद टैब, फिर आपने लिखा यहां से आर्या, तो देखो देखो कि यहां पे ये हमारा फिक्स है, ये इक्वल में नीचे आएगा, ये भी इक्वल में नीचे आएगा और ये भी मेरा इक्वल में आएगा, ठीक है। तो टैब का इस्तेमाल हम लोग ऐसे करते हैं ताकि जब हम कुछ भी नेम को टाइप करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल में मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, जैसे यहां हो गया, पहले तो मैं अच्छा सा टैब को फिक्स कर लेता हूं, मैं न्यू पेज ले लेता हूं कंट्रोल एन से, अब फिक्स करता हूं टैब को बढ़िया से, तो मैं क्या करूंगा, एक टैब लगाऊंगा एक पर, एक टैब लगाऊंगा हम यहां पे इसके बीच, सॉरी गलत हो गया, एक टैब तो मेरा स्टार्टिंग से है, दूसरा टैब मैं लगाऊंगा यहां पर एक और दो के बीच में, तीसरा टैब लगाऊंगा देखो यहां पे मैं लगाऊंगा तीन और चार के बीच में, और चौथा जो है वो है पांच और ये इसके बीच में, हमने इसको लगा दिया। अब मैं लिखूंगा यहां पे, लिखूंगा नेम, ठीक है ना, यहां पे मैं लिखा नेम, इसको कैपिटल में कर लेता हूं नेम, और यहां लिखूंगा यहां पे मैं रोल नंबर,
और यहां पे लिखूंगा मार्क्स है ना, उसके बाद यहां पे लिखूंगा रिजल्ट्स। मान लो मैं एक चीज कर रहा हूं, देखो नीचे आ गया क्योंकि आपने टैब जो है वो काफी मतलब दूरी पे कर दिया, तो क्या करो इसको, इस टैब को यहां पे खिसका सकते हो, यहां पे कर दो, ठीक है, काफी अच्छा है। हाँ, टैब को कैसे हटाना है वो भी मैं समझा दूंगा, पहले आप इसको सीखो। इस टैब को आप इधर खिसकाओगे तो इधर जाएगा, इसको इधर जाएगा, देखो एक और एक्स्ट्रा टैब है, इस पर क्लिक करके इसको खींचना होगा, है ना। चलो हमने यहां लगा दिया, अब देखो इंटर करो, नेम लिखो अमन, अमन लिखा, रोल नंबर 14, मार्क्स मान लो कि 420, रिजल्ट मान लो यहां पर अपने लिखा फर्स्ट, फिर इंटर दबाओ, फिर लिखो प्रिया, और रोल नंबर मान लो कि 15, मार्क्स आया 222, डिवीजन यहां पे आपका थर्ड, फिर नीचे लिखो इंटर मारो, फिर लिखो अनु, उसके बाद यहां से मार्क्स रोल नंबर लिखा इतना और मार्क्स आया 344, और ये मान लो कि है फर्स्ट, आपने इस तरह से ये किया, राइट। तो ये देखो एक सजावट आ रहा है इसका कि भैया ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे में आ रहा है, एक सजावट बन रहा है, तो टैब का इस्तेमाल यहां करते हैं, ठीक है। अगर आपको खिसकाना है तो आप इसको ऐसे खिसका सकते हो, इसको खींच करके इस टैब को, ठीक है ना, ये वाला खींच करके ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है ना। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो आपने टैब लगाया है तो इस टैब को कैसे हटाएंगे, एल जो है तो इस पर क्लिक करो, क्लिक करोगे, देखो अगर आप क्लिक करके छोड़ दोगे तो वो एक और टैब लग जाएगा, है ना, क्लिक करके छोड़ दोगे तो एक और टैब लग जाएगा, लेकिन आपको क्लिक करके नहीं छोड़ना है, बल्कि उसको क्लिक करके उसको नीचे की ओर, आप अगर नीचे की ओर लेके आओगे तो वो टैब जो है वो हट जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं और नीचे की ओर लाता हूं, देखो वो टैब हट जाएगा, मैं क्लिक करके उसको नीचे की ओर लाता हूं, इसको देखो हट गया, उस तरह से इसको भी करूंगा नीचे की ओर, हट गया, और ये भी जो हट गया, जैसे ही ये हट जाएगा ना तैसे देखो सब छितर बितर हो जाएगा, यानी कि सब ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने टैब को हटा दिया, तो जब टैब को हटाओगे तो इसका पोजीशन ही आप हटा दिया आपने, तो ये सारा मैटर खराब हो जाएगा। तो आपने रूलर्स के बारे में एडवांस तरीके से टीचर लेवल तक आपने पढ़ लिया A to Z, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पढ़ा भी रहे तो आपको A to Z समझ में आ गया होगा कि अगर कोई यहां पे कोई सवाल कर देता है तो मैं उसको कैसे वहां पे टक्कर दूंगा। अब बात करते हैं यहां पे फाइल मेन्यू के अंदर, ठीक है ना। तो फाइल मेन्यू के अंदर वही ऑप्शन है जो मैंने आपको MS Paint बताया था, न्यू मैंने बता दिया, ओपन मैंने बता दिया, सेव बता दिया, सेव एज बता दिया, प्रिंट, प्रिंट सेटअप, सेंड ईमेल, अबाउट, सारा चीज मैंने बता दिया, है ना। आप वर्ड पैड में आपने देखा होगा, नोट पैड में आपने देखा, सॉरी वर्ड पैड नहीं, एमएस पेंट में आपने देखा होगा, नोट पैड में आपने देखा होगा, तो उसी तरह से सेम ऑप्शन है भैया कि ये न्यू है, न्यू पेज लेंगे, ओपन में अपनी फाइल को दोबारा से सेव किए गए फाइल को ओपन करेंगे। मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमने एमएस पेंट में सीखा था, सेव मैंने बता दिया था, सेव एज बता दिया था, अब यहां पे जो है वो है प्रिंट, तो प्रिंट में वही ऑप्शन है जो एमएस पेंट में था, सेम टू सेम, मैं ये भी नहीं बताऊंगा आपको। आगे है आपका पेज सेटअप, पेज सेटअप में वही वाला चीज है कि आप पेज की साइज क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मान लो कि लेटर में रहे, A4 में रहे, A6 में रहे, है ना जी। मान लो देखो ये तो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रिंटर है वो कैसा है, क्योंकि जैसा प्रिंटर आप रखोगे, क्योंकि प्रिंटर की साइज होती है, प्रिंटर की साइज होती है, आपका जो प्रिंटर है वो A3 में है, A4 में है, या आपका प्रिंटर A4 भी करता है, A3 भी करता है ना, या फिर A5 करता है, कौन सा प्रिंटर है, क्योंकि प्रिंटर जो आप खरीदोगे ना वहां पर ये सुनिश्चित होता है कि आपका जो ये प्रिंटर है वो इस तरह के पेज की साइज को मैनेज कर सकता है। तो आप अपने प्रिंटर के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए, और आप जो पेज चाहते हो वो लैंडस्केप में चाहते हो, देखो पेज का पोजीशन चेंज हो रहा है, देखो अभी यहां पे ध्यान से देखो, देखो ऐसा पेज आ रहा है ना, तो पहले ही मैंने बताया था कि ये होता है पोर्ट्रेट मोड, और अगर ऐसे में पेज है, इस तरह से पेज है, तो ये लैंडस्केप मोड हो गया, ये आपका पोर्ट्रेट मोड हो गया, ये आपका लैंडस्केप मोड हो गया, मैंने पहले बताया था क्या है पोर्ट्रेट मोड और ये लैंडस्केप मोड, राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक ऑप्शन है वही चीजें जो एमएस पेंट में था कि आप लेफ्ट में कितना मार्जिन चाहते हो, नहीं शायद ये नोटपैड में था, लेफ्ट में कितना मार्जिन चाहते हो, राइट में कितना मार्जिन चाहते हो, टॉप में कितना चाहते हो और बॉटम में कितना चाहते हो। लेफ्ट टॉप आप समझ रहे हो कि इसको कहते हैं लेफ्ट और इसको कहते हैं राइट, ऊपर वाला कहते हैं टॉप और नीचे कहते हैं बॉटम, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो देखो अगर मान लो कि आप चाहते हो कि देखो अभी क्या हो रहा है कि अगर हम कुछ भी लिखना चालू करते हैं तो लिखना चालू करते हैं तो इतना जगह छूट रहा है, देखो केवल और केवल मैं बता रहा हूं आपको, केवल इतना जगह जो है ऊपर में छूट रहा है, केवल इतना, और लिखावट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि यहां से नीचे की ओर आ रहा है और ऊपर में ये जो जगह है वो खाली हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने टॉप में स्पेस दे करके रखा है। तो आप फाइल में जाओ और यहां से स्पेस सेटअप में जाओ और टॉप में कर दो इसको मान लो कि 5 और कर दो
सॉरी मैंने लेफ्ट में कर दिया, ठीक है, मैं इसको टॉप में करूंगा, ये तो एक रहने दो, टॉप में कर दो थ्री और कर दो ओके। देखो अब क्या होगा, मैं न्यू पेज ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब जाऊंगा फाइल में, जाऊंगा पे सेटअप में, और मैं यहां से टॉप में कर दूंगा थ्री और कर दूंगा थोड़ा सा ओके। अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसको प्रिंट दोगे ना यहाँ पे, तो ये प्रिंट वही होगा जो आप सिलेक्ट करोगे। फिर फाइल में जाओ, पे सेटअप में जाओ, मान लो आप टॉप में किया आपने थ्री और लेफ्ट में किया आपने टू और इसको किया आपने राइट में फाइव और बॉटम में किया, देखो ये देखो कैसे हो जाएगा, देखो मात्र इतना लिखा है। देखो मैं फिर से कंट्रोल एन से दबाता हूं और मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं इसको ओरिजिनल कर देता हूं, मैं आपको प्रूफ करता हूं। इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को ओरिजिनल कर देना है और मैं यहां से एक लिखावट को कॉपी कर लेता हूं, आपको समझ में देखो अब आएगा, कॉपी कर लो और हम इसमें पेस्ट कर देते। अब मैं आपको सिखाता हूं, देखो फाइल में जाओ, पे सेटअप में जाओ, अब क्या करो कि इसको लेफ्ट में 3 इंच कर दो। देखो यहां पे लाइव दिखा रहा है, यहां पे लाइव शो कर रहा है कि आपका ये खाली हो गया है ना, लेफ्ट में 2 इंच खाली हो गया, ये इंचेस में शो कर रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हो, मैंने बताया ना कि व्यू में जाकर के, ठीक है, व्यू में जाकर चेंज कर सकते हो। आप क्या करो, इसको ओके करो, देखो ये लाइव समझ में आ गया आपको कि ये यहां से हुआ, ये लेफ्ट में छूट गया, यानी कि लेफ्ट वाला मार्जिन हमने इतना कर दिया। अगर कभी ऐसा यूज हो तो आप ऐसा करके लेफ्ट वाला जो मार्जिन है उसको आप हटा सकते हो, राइट। हाँ, अगर उसी जगह आप यहां पे फाइल में जाकर के, आप पे सेटअप में जाकर के आप इसको कर देते राइट में कर देते फिर से दो, तो देखो राइट में भी काटेगा, लेफ्ट में 3 इंच और राइट में 2 इंच। अगर उसी तरह से अगर फाइल में जाकर के पे सेटअप में जाकर के अगर टॉप में कर दोगे, मान लो कि टॉप में 2 इंच कर दोगे और बॉटम में कर दोगे आप मान लो 3 इंच और वह करोगे, देखो वही होगा। तो ये यूज कर सकते हो कि अपने पेज में लेफ्ट में राइट में टॉप में बॉटम में क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, राइट। चलो तो अब यहां पे अगला जो है मैं इसको ओरिजिनल कर देता हूं, इसमें जाकर के वही कर दो, यहां पे एक कर दो, यहां पे एक कर दो, यहां पे एक कर दो, यहां पे भी एक कर दो और उसके बाद आप इसको सिंपल ओके कर दो। एक और ऑप्शन यहां पे देखो लिखा हुआ प्रिंट पेज नंबर, मान लो कि आप कुछ बना रहे हो, इसमें डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो वर्डपैड में, तो चाहते हो कि मान लो कभी कभी होता है ना कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो पेज में प्रिंट पेज नंबर भी शो हो, है ना, पेज वन पेज टू पेज थ्री, तो आप चाहते हो कि पेज वन पेज टू पेज थ्री शो करे तो आप ये वाला रिकॉर्ड करके रखना और उसके बाद ओके कर देना, ठीक है, फाइनल आपका हो जाएगा। उसके बाद है अबाउट वर्डपैड, तो आप इसके बारे में जान सकते हो कि आपका विंडोज 10 चल रहा है, वर्डपैड का वर्जन 2004 है, ये सिर्फ उसके बारे में बता रहा है, बस और कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, अब आते हैं हम लोगों का होम टैब या होम मेनू। अब इसमें वही ऑप्शन है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, जो बता रखा है वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं, जो बता दिया मैंने वो बताऊंगा नहीं कभी, मैं पेस्ट नहीं बताने वाला हूं, ना मैं कट बताऊंगा, ना मैं कॉपी बताऊंगा, हाँ क्लिपबोर्ड के अंदर ये जो ऑप्शन है वो नहीं बताने वाला हूं, फॉन्ट के अंदर जो ये फॉन्ट के अंदर ये जो ऑप्शन है वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो फॉन्ट के अंदर क्या क्या आता है पहले वो देख लो, फॉन्ट के अंदर आपको आता है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, है ना, कलर, हाइलाइटेड, है ना, ग्रो फॉन्ट, ग्लो फॉन्ट, जो भी है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, और लास्ट में आता है आपका व्यू, है ना, व्यू, व्यू में भी देखें। चलिए पहले होम देख लेते हैं, पहले आप यहां पे कुछ भी नाम लिखो, थोड़ा सा मान लो कि मैं लिख देता हूं यहां पे AIO कंप्यूटर जॉन, आपने ये लिखा, आप इसको माउस से इसको सिलेक्ट करो। अब एक चीज और मैं समझा देता हूं, ट्रिक्स मैं देता हूं, मैं ये ट्रिक्स के लिए, ट्रिक्स को बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद मैं इसको वर्ड पैड को ओपन कर लेता हूं और मैं समझाता हूं। देखो अगर अगर माउस का कर्सर एक जगह एक बार दबाओगे तो सिलेक्ट होगा, मान लो कि एक बार आपने दबाया, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मान लो कि आप अभी अभी आपका जो माउस का कर्सर है वो करंट वर्ड के पास है, अगर आप यहां पे एक बार दबाओगे मतलब लगातार दो, जैसे अभी तो आप यहां हो, एक बार दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, देखो लगातार दो बार दबाओ तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा, लगातार 3 बार दबाओ पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इनकी आपने समझा कि अगर हम एक बार किसी भी वर्ड के पास, सॉरी अगर लगातार दो बार
हम किसी भी वर्ड के पास माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं तो वो वाला जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाता है, और अगर हम माउस का लेफ्ट बटन लगातार 3 बार दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो 1 2 3, 1 2 बार देखो, 1 2 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, हो गया ना, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये नहीं करना था, वो तो हम लोग सीखेंगे ही। अब देखो, अब मान लो कि इसको आपने सिलेक्ट किया और ये जो ऑप्शन है ये फॉन्ट स्टाइल है। क्या ये फॉन्ट स्टाइल है। देखो फॉन्ट फैमिली, चेंज दी फॉन्ट फैमिली, तो इस पर क्लिक करो। आपके पास आपके पीसी में जो फॉन्ट इंस्टॉल है उसको आप चूज करो और जो यहां पे करना चाहे देखो आप चेंज हो गया। उसी तरह से मान लो कि आप चाहते हो कि ये आ जाए तो ये हो गया। हाँ, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो सो मोर फॉन्ट, अगर विंडो 10 यूज करते तो शायद ये ऑप्शन होगा, शायद 7 में नहीं होगा, मैंने नहीं दिखा ये चीज। ये देखो यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप टू इंस्टॉल, ड्रैग फॉन्ट फाइल्स फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर और योर डेस्कटॉप एंड ड्रॉप देन हियर टू इंस्टॉल फॉन्ट योर ऑन योर डिवाइस। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई और आपके पास फॉन्ट है, जैसे मान लो कि मेरे कंप्यूटर में मान लो कि मेरे पास कोई फॉन्ट है, जैसे मैं जाता हूं, मैंने फॉन्ट को डाउनलोड करके रखा है, मतलब गूगल से ये फॉन्ट है, तो इसको खींच करके ड्रैग करो इस सेटिंग वाला में और यहां पर ले जाकर इसको छोड़ दो। ये कह रहा है कि आपने पहले ही इसको इंस्टॉल करके रखा है ऑलरेडी, तो मैं यस कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। देखो ये इंस्टॉल हो गया, अब देखो इंस्टॉल हो गया, अब दोबारा जाओ इसमें और जो आपने इंस्टॉल किया था उसको चूज करो कि आपने कौन से फॉन्ट को इंस्टॉल किया था, उसको सर्च करो। मान लो कि आपने जो फॉन्ट इंस्टॉल किया था वो ए से किया था, तो आप यहां पे ए लिख दो, ए से रिलेटेड सारे फॉन्ट आएंगे, बी लिख दो, बी से रिलेटेड सारे फॉन्ट आएंगे, सी लिख दोगे। अगर आपको कोई फॉन्ट याद है, यानी कि आप याद ए पी ए आर, देखो अपराजिता, तो आप ये लिख दो, एंटर कर दो, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको फॉन्ट का नाम याद है तो बस इसको सिलेक्ट करो और यहां पे जाओ और अपराजिता लिखो और यहां पे कर दो, ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फॉन्ट का स्टाइल है, आप चेंज कर सकते हो, चेंज करो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा बोल्ड दिखे, बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा डार्कनेस आए इस फॉन्ट में, इस स्टाइल में थोड़ा डार्कनेस आए, तो आप क्या करोगे, इसको आप सिलेक्ट करोगे और इसको यहां पर जो बी है, शॉर्टकट की आप यूज करना, कभी भी आप मत ऐसा करना कि आप इसको सिलेक्ट करो, है ना, सिलेक्ट करने के बाद इसको बी पे क्लिक करो और इसको बोल्ड करो, भैया ऐसा मत करो। शॉर्टकट की याद है आपको, शॉर्टकट की से करो, और मैंने तो नोट्स आपको दे ही दिया है, आप नोट्स में जाकर के देखो कि इसका शॉर्टकट की क्या होता है। ठीक है ना, अगर वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो हमारा नोट्स है उसमें देख लेना। तो अगर मान लो इसको थोड़ा सा डार्क दिखाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करो और इस पर क्लिक करो, हो गया डार्क। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा तिरछी दिखाना चाहते हो, है ना, तो तिरछी के लिए क्या होता है, ये आपका इटालिक होता है, आप इसको इटालिक कर सकते हो। ये क्यों होता है, इटालिक क्यों होता है मैं बता रहा हूं। जैसे देखो, अगर आपके पास 5 वर्ड है, एक है एप्पल, दूसरा है बॉय और तीसरा है कैट और चौथा है डॉग और पांचवा है मैन, ये मान लो कि इतना वर्ड है आपके पास, आप चाहते हो कि इस 5 वर्ड में एक वर्ड अलग दिखे, तो आप क्या करो, इसको इटालिक कर दो और ये देखो हो गया। और नीचे में क्या लिखोगे कि आप जो देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो तिरछी वर्ड लिखा हुआ है उसी को कहते हैं नाउन। तो यानी कि ऐसे पढ़ाने के लिए करते हैं कि आप ताकि बता सके कि हाँ, ये 5 वर्ड में जो तीसरा वर्ड है जो कि तिरछी है उसको हम लोग कहते हैं नाउन। तो ये समझा सकते हो, तो डिफरेंट दिखा सकते हो, तो इस वजह से हम लोग इटालिक यूज करते हैं ताकि हमारा जो वर्ड है वो तिरछी दिखे और सभी वर्ड से वो डिफरेंट दिखे, ताकि मैं उसको बता सकूं कि हाँ भैया ये वर्ड है जिसको नाउन कहते हैं। आई होप मैं आपको एडवांस तक ले जा पा रहा हूं। ठीक है, आगे है आपको अंडरलाइन। अंडरलाइन भी वही है, अगर आपको इस एप्पल को अंडरलाइन करना है ना, तो आप यहां पे क्लिक करो, ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन इसलिए करते हैं ताकि मैं बच्चों को बता सकूं कि हाँ, ये जो आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर, ये जो आपका सेंटेंस है
इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है, जो अंडरलाइन है, वो आपका कॉमन नाउन है, तो आप ये समझा सके, इसलिए अंडरलाइन करते हैं। अब अंडरलाइन का इस्तेमाल आप कैसे करोगे वो आप जानो, लेकिन ये अंडरलाइन का इस्तेमाल होता है ताकि हम सभी वर्ड से उसको अलग दिखा सके और बता सके कि हाँ भैया, ये जो अंडरलाइन वाला जो वर्ड है वो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये एडजेक्टिव वर्ब है, वो वर्ब है, वो आप समझा सके, राइट। अच्छा, आगे है यहां पे अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, स्ट्राइक थ्रू। यहां अगर आप माउस से कर्सर छोड़ोगे तो बता देगा स्ट्राइक थ्रू, ड्रा अ लाइन थ्रू द टेक्स्ट, यानी कि आप अपने टेक्स्ट में इसको ड्रा कर सकते हो। देखो ये क्रॉस का निशान हो गया, तो आप ये भी समझा सकते हो कि आप जो 5 वर्ड लिखे हो उसमें से 3 वर्ड गलत है। मतलब उदाहरण में समझा रहा हूं, मतलब कि ऐसा करवाने के लिए, ऐसा शो करवाने के लिए आप स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हो। मान लो कि आप ये दर्शाना चाहते हो कि ये जो 5 वर्ड है, इस 5 वर्ड में जो पहला वर्ड है वो गलत है, तो आप इसको स्ट्राइक थ्रू करके इसको गलत शो करवा सकते हो, राइट। अब आगे जाओगे तो आगे देखो क्या शो कर रहा है, आगे क्या है, ये आपका है सबस्क्रिप्ट, ये है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ड्रा अ टेक्स्ट स्मॉलर एंड लोअर देन रेगुलर टेक्स्ट, यानी देखो क्या होता है, मान लो कि याद करो बचपन में आप केमिस्ट्री पढ़ते थे, है ना, बचपन में आप केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो केमिस्ट्री में क्या होता था कि आप लिखते थे फॉर्मूला C2H2N, तो आपने सी लिखा और 2 नीचे लिखना चाहते हैं, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, जूम नहीं मैं बड़ा कर देता हूं, ये आपका बड़ा, ठीक है, देखो चाहते हो कि 2 जो है से नीचे आए, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे ये वाला, इस पर आप क्लिक कर दो और 2 लिखो, तो देखो सी के नीचे 2 लिखा, यानी कि C2। हाँ, आप चाहते हो तो इसका शॉर्टकट की कर सकते हो, आप बार बार, मान लो कि इसको हटाना है, अगर आप कुछ भी लिखोगे तो सब नीचे लिखाएगा, देखो अगर आप कुछ भी लिखोगे ना तो सब नीचे लिखाएगा, क्योंकि आपने सब स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि 2 नीचे लिखा रहे तो आप यहां पे जाओगे 2 लिख दोगे, अब हटाना है दोबारा से क्लिक करोगे उसी पे हट जाएगा, फिर से लाना है दोबारा से क्लिक करोगे फिर से आएगा, फिर से हटाना है फिर वहीं क्लिक करोगे, यानी कि लाना है तो वहीं से, हटाना है तो वहीं से। तो इस सिचुएशन में जब हम कीबोर्ड से कुछ भी लिखेंगे तो बार बार माउस यूज करेंगे नहीं, बार बार माउस यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट कीज मेरे नोट्स में अवेलेबल है, जाओ और नोट्स में शॉर्टकट की को देख लो और देखने के बाद आप इसको यूज करो। बस कीबोर्ड में आपको ये शॉर्टकट की यूज कर देना है कि भैया हाँ, अल्ट के साथ में हम बराबर यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ये यूज करेंगे बराबर, तो ये आप देख लेना है चीजों को, ठीक है, ओके। तो चलो हम एक फॉर्मूला को टाइप कर लेते हैं, ठीक है, देखो C2H2N, C2 नीचे लिखना है, इस पर क्लिक करो, फिर हटाओ H, फिर क्लिक करो 2, फिर हटाओ N, देखो लिखा गया सिचुएशन, मतलब लाना है तो क्लिक करो, हटाना है तो क्लिक करो। हाँ, अब अगर मान लो आप फॉर्मूला लिख रहे हो, आप लिख रहे हो A+B³, है ना, A+B³, तो कैसे होगा, ब्रैकेट दोगे ए लिखोगे, प्लस दोगे बी लिखोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, अब ऊपर में देना है ना, मैं जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा, आपको ऊपर में देना है ना कि नीचे में, अगर आप नीचे में दोगे ना तो क्या हो गई है, आप नीचे में लिखोगे तो उसको हम लोग कहेंगे सब स्क्रिप्ट, और अगर आप ऊपर देते हो A+B के पावर में देते हो तो वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो आपको नीचे देना है या ऊपर देना है, नीचे दोगे तो सब स्क्रिप्ट, ऊपर दोगे तो सुपर स्क्रिप्ट। तो मैं ऊपर देना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा ये वाला ऑप्शन A+B³, तो हम ऊपर यूज करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और देंगे 3, देखो A+B³। अब अगर आप दोबारा लिखोगे, कुछ भी लिखोगे तो ऊपर ही लिखाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो ऑप्शन खत्म हो जाए तो दोबारा से इस पर क्लिक करना होगा, ये खत्म हो गया, आप बराबर दो, अब नहीं होगा, वहां क्या होता है AQ A लिखो, फिर से जाओ यहां पे 3 लिखो, फिर इसको हाइड, फिर हटा दो, प्लस BQ B लिखो, क्यू देना है, फिर से क्लिक करो 3 दो, फिर उसी पे क्लिक करके उसको हटा भी दो, प्लस AQ प्लस BQ प्लस 3 A² A² करना है, फिर से इस पर क्लिक करो स्क्वायर, फिर हटाओ B प्लस 3B² है, 3B² करना है, फिर यहीं जाओ 3B², फिर इसको हटाओ A, यानी कि आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऐसे यूज कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम इसको कैसे यूज
करेंगे। आप शॉर्टकट की से यूज करना। अगर आपको सब स्क्रिप्ट को इनेबल करना है, सब स्क्रिप्ट को डिसेबल करना है, आप हमेशा शॉर्टकट की का यूज करना। अब अगर मान लो कि आपने ये जो फॉर्मूला लिखा था इसकी कलर को चेंज करना है, तो इसकी कलर को चेंज करने के लिए हम यहां जाएंगे और इसकी कलर को हम चेंज कर देंगे। आपको जो इच्छा है वो कलर आप यूज करो। अगर यहां से कलर पसंद नहीं आता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि मोर कलर्स पे क्लिक करो और यहां से करो। अगर यहां भी नहीं पसंद आता है तो डिफाइन कस्टम कलर्स पे जाओ और यहां पे कस्टम चूज करो और यहां से ओके कर दो। अब ऐसे कुछ कर सकते हो। अच्छा, एक और ऑप्शन है ये हाईलाइटेड, ये आपके बैकग्राउंड में हाईलाइट कर देगा। ये टेक्स्ट के कलर को नहीं चेंज करेगा, ये टेक्स्ट के कलर को चेंज नहीं करेगा, बल्कि आपके बैकग्राउंड के कलर को ये हाईलाइट कर, क्या होगा, ये बैकग्राउंड के कलर को ये हाईलाइट कर देगा, ये टेक्स्ट का नहीं करता है, ये समझ लेना आप। ठीक है, आगे आगे आपका कि भैया इससे आप टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर सकते हो, लेकिन लास्ट जो साइज है वो 72 है। ये वर्ड पैड में लास्ट जो है साइज टेक्स्ट का वो 72 है, लेकिन 72 नहीं होता है, ये लास्ट साइज 72 नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट 72 तक होता है। आप शॉर्टकट की यूज करना, क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट देन, देखो लास्ट कहां जाता है वो देख लेना, देखो वहां बढ़ रहा है फॉन्ट वाला साइज में, देखो बढ़ रहा है ये कहां, देखो 1638 लास्ट जो फॉन्ट हमारा है वो है 1638, देखो कितना बड़ा लिखा है, देखो वाओ इतना बड़ा लिखा है, लास्ट जो साइज है वो 1638। मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये हमारा छोटा ये हो गया, ठीक है, और छोटा देखो कितना बड़ा हो गया था, देखो है ना। तो आप चाहो तो यहां से भी क्लिक करके बड़ा कर सकते हो और यहां से भी छोटा कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहां से चाहते हो तो ये लास्ट में आपका 72 ही जाएगा, ठीक है ना जी। तो आप शॉर्टकट की यूज करना, ठीक है। चलिए, तो आपने यहां तक समझ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग और उसके बाद पढ़ेंगे व्यू, है ना। तो आई होप कि मैं आपको आज वर्डपैड पूरा खत्म कर दूंगा, एक दिन में एक सॉफ्टवेयर उड़ा, मतलब इसको हम उड़ा ही दूंगा यहां से। तो देखो पैराग्राफ थोड़ा सा देख लो, पैराग्राफ में पहला क्या है आप यहां देखो, इसका शॉर्टकट की भी शो कर रहा है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये क्या है सेंटर, और अगला क्या है आपके पास, ये आपके पास अलाइन टेक्स्ट राइट, और ये है जस्टिफाई, और ये आपका क्या है, ये आपका है डिक्रीज इंडेंट, और ये है आपका इंक्रीज इंडेंट, और ये है आपका स्टार्ट और लिस्ट, और ये है आपका लाइन स्पेसिंग, और ये है आपका शो दी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ये उसके बाद इंसर्ट। तो देखिए मैं सारा यूज करूंगा, मैं इसको पेज की साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, कीबोर्ड में कंट्रोल दबा करके उसे छोटा करो, छोटा ये काफी मैंने छोटा कर दिया, देखो हाँ इसको हटा देता हूं, हटाने के बाद एक पैराग्राफ को यहां पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, कंट्रोल भी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आप शॉर्टकट की का ज्यादा यूज करो, आप माउस का इस्तेमाल काफी कम मात्रा में करो। अब देखो ये क्या होता है कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको यूज करते हैं या क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इस पर क्लिक करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, देखो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से अलाइन हो चुका है, ये लेफ्ट अलाइन हो चुका है। अगर आप राइट अलाइन करोगे तब हो जाएगा, हाँ अगर ये राइट अलाइन हो चुका है तो लेफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट हो चुका है तो राइट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। तो अलाइन क्या होता है मैं समझा रहा हूं, लेफ्ट अलाइन क्या होता है, राइट अलाइन क्या होता है, सेंटर क्या होता है, जस्टिफाई क्या होता है। क्योंकि आप यहां देख पा रहे हो ये जो पहला जो है ये लेफ्ट है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई। तो भैया समझ लो, देखो ध्यान से देखो, ये आपका पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ का अगर लेफ्ट में देखोगे तो इसकी जो लाइन है वो इक्वल है, देखो एकदम इक्वल से कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन यही राइट में देखो ये यहां पर है, दूसरा लाइन यहीं पर इंड हो गया, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे और पांचवा यहीं पर इंड हो गया। तो ये राइट वाला है, यानी कि आपने लेफ्ट वाला को अलाइन कर दिया लेकिन राइट वाले को आपने अलाइन नहीं किया है। हाँ आप चाहो तो लेफ्ट में भी अलाइन कर सकते हो, राइट में भी अलाइन कर सकते हो, और जब लेफ्ट में भी अलाइन करोगे राइट में भी अलाइन करोगे तो यानी कि आप जस्टिफाई कर दोगे, यानी कि अगर आपको लेफ्ट में भी बराबर करना है राइट में भी बराबर करना है तो भैया ना लेफ्ट करोगे ना राइट करोगे, आप जस्टिफाई कर दोगे। जैसे मैं करके दिखाता हूं, मैं क्या कर देता हूं कि इसको सिलेक्ट कर देता हूं और यहां पर यह जो ऑप्शन है जस्टिफाई, ये क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट
टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड एज नेसेसरी दिस क्रिएट्स अ क्लीन लुक्स अलोंग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेज। ये सिंपल सा भी है कि आपका ये जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट और राइट दोनों को अलाइन करके ये बोथ में आपको इक्वल कर देगा। जैसे जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो देखो ये लेफ्ट में भी इक्वल और राइट में भी इक्वल। अब कहोगे कि पांचवा लाइन तो इक्वल नहीं है, तो भैया लाइन आपका खत्म हो गया, आपका पैराग्राफ यहां पर इन हो गया, टेम्पलेट्स पे आपका जब पैराग्राफ इन हो गया तो मैं कहां से लाऊं? हां आप कुछ भी लिखो वो इक्वल ना करे तब बोलना, कुछ भी लिखोगे देखो ये हमेशा आपके लेफ्ट को और राइट को इक्वल करेगा, यानी कि आपने जस्टिफाई कर दिया। लेकिन वहीं पर अगर आप लेफ्ट वाला यूज करोगे, सिर्फ ये यूज करोगे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट यूज करोगे, तो सिर्फ क्या करेगा, ये लेफ्ट में यूज करेगा, ये राइट में यूज नहीं करेगा। देखो आपने लेफ्ट किया, आपने लेफ्ट किया तो राइट में इक्वल नहीं है, लेफ्ट में इक्वल है तो ये होता है। हाँ अगर आप ये चाहते हो कि ये जो पैराग्राफ है वो सेंटर में हो तो आप ये यूज करना, सेंटर वाला, सेंटर में देखोगे ना लेफ्ट में देखेगा बढ़िया से ना राइट में देखेगा, ये सिर्फ भैया सेंटर को देखेगा बस और कुछ नहीं करेगा। जस्टिफाई अगर राइट में करना चाहते हो तो राइट वाले पे क्लिक करो, देखो ये क्या करेगा, राइट में इक्वल करेगा, लेफ्ट में इक्वल नहीं करेगा। अगर आप जस्टिफाई करोगे, है ना, अगर आप जस्टिफाई करोगे तो क्या करेगा, ये दोनों तरफ आपको इक्वल कर देगा। समझ गया? इसके अलावा आप इसको डिलीट कर दो। अब क्या करो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो पैराग्राफ है वो राइट से लिखना स्टार्ट हो और लेफ्ट की तरफ आए, तो आप क्या करो, आप इसको सिलेक्ट करो, ये राइट इंडेंट, इस पर सिलेक्ट कर दो। अब अगर आप कुछ भी लिखोगे तो राइट से लिखाना स्टार्ट होगा और आपका ये लेफ्ट की तरफ आएगा। उसी तरह से अगर आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो सेंटर से लिखाना स्टार्ट होगा और लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ स्टार्ट होगा। देखो यानी कि जब सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो लिखना तो सेंटर से ही स्टार्ट होगा लेकिन दोनों तरफ बढ़ेगा। अगर उसी तरह से लेफ्ट में करोगे तो आपका लिखावट लेफ्ट से शुरू होगा और राइट की तरफ जाएगा। उसी तरह से अगर आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो जब कुछ भी आप लिखना स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट से जाएगा राइट की ओर, लेकिन ये इक्वल में होगा। देखो मैं कुछ भी लिखता हूं, देखो ये क्या हो रहा है कि आपका जस्टिफाई कर दे रहा है डायरेक्टली, इधर भी ले बराबर इधर भी, यानी कि या तो आप लिख करके जस्टिफाई करो या पहले ही जस्टिफाई को सिलेक्ट कर लो उसके बाद लिखो, बात बरोबर है, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, अगला पैराग्राफ के अंदर है आपका ये डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज, तो आप करो डिक्रीज करना, करो इसको क्या करो, देखो इसको सिलेक्ट करो और इधर जाओ, ये देखो हो रहा है, ये पूरे पैराग्राफ को करेगा, ये एक स्पेशल लाइन को नहीं करता है कि मान लो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे स्पेशल और इसको करोगे, कहां से हो गई है, ये स्पेशल लाइन को नहीं करता है, पूरे पैराग्राफ को करता है। देखो डिक्रीज ये क्या हो रहा है, ये आपका क्या था इंक्रीज और ये डिक्रीज इंक्रीज, राइट। अब देखो आगे, देखो आगे क्या आपका आगे है यहां पे, इसको क्या कहते हैं, लिस्ट होगा शायद, नहीं हाँ स्टार्ट आ लिस्ट। आप चाहते हो कि देखो पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है और तीसरा मान लो आपने ये लिखा, जैसे ही आप इंटर दबाओगे तो वैसे ही पैराग्राफ चेंज हो गया, चार पैराग्राफ सिलेक्ट करो, लिस्ट में जाओ, क्या देना चाहते हो, एक दो तीन दो, यानी कि जब तक आपका पैराग्राफ एंड नहीं ना होगा तब तक आप वहां पे एक दो तीन नहीं लिखाएगा, जब तक आप इंटर नहीं ना प्रेस करोगे तब तक सिक्स नहीं आएगा। देखो जैसे ही इंटर दबाओगे, इंटर मारोगे, सिक्स सेवन, यानी कि पैराग्राफ चेंज होते ही नंबरिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिलेक्ट करो और इसकी लिस्ट को एबीसीडी में कर दो, इसको कर दो रोमनक में, या तो बाद में करो या पहले करो। अगर आप पहले कर दोगे तो जैसे ही पैराग्राफ चेंज होगा दो हो जाएगा, हो गया ना। तो ये लिस्टिंग करने के लिए होता है कि आप अपने पैराग्राफ के पहले में एक दो शो करवाना चाहते हो, रोमन अंक में शो करना चाहते हो या क्या करवाना चाहते हो, राइट। आगे देखिए, अगला है आपका यहां पे लाइन स्पेसिंग, क्या कह रहा है पढ़ो, चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट
एड और रिमूव द स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स। मान लो आप कुछ यहां पे लिख दिए, आप चाहते हो कि भैया आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो स्पेस है देखो थोड़ा सा छोटा हुआ, बीच में देखो, बीच में स्पेस देखो, गैपिंग देखो बीच में। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करो, इसको सिलेक्ट करो और आप यहां पे क्लिक करो, दो कर दो, देखो कितना ज्यादा स्पेस छूट गया, तो इतना स्पेस बीच में छूट रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर आप हो, आपको जरूरत है कि भैया हम ज्यादा मार्जिन छोड़े, तो आप छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूं, इस पर क्लिक करो, यहां करो क्लिक करो, या पूरा पैराग्राफ खोलेगा, देखो करो यहां पे स्पेस को आपको बढ़ा रहा है घटा रहा है, बस आपने अकॉर्डिंग आप खुद इसको यूज करो। आगे क्या है, आगे देखो, ये देखो क्या है, ये वाला देखो ध्यान से क्या कह रहा है, पैराग्राफ शो दी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, वही वाला चीज है, ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स होगा वो था, क्लिक करो देखो लेफ्ट में कितना 2 इंच, राइट में 3 इंच, ओके वही वाला इंडेंट है जो पहले मैंने बताया था, लेकिन इसमें एक चीज है जानने वाला, लाइन स्पेसिंग, भैया वही चीज है, अरे लाइन स्पेसिंग तो यहीं पर था ना, यहां पे था, तो भैया वही चीज भाई, यहां भी वही चीज देखो, यहां पे 2 इंच पे करो, देखो बढ़ गया, इसको पहले तो मैं आगे कर ही देता हूं, देखो कितना ज्यादा स्पेस छूट गया, तो स्पेस को यहां भी, तो यहां से भी तो हो सकता था ना, स्पेस को घटाना है बढ़ाना है, और वही चीज देखो यहां भी दिया हुआ है, देखो और जस्टिफाई देखो लेफ्ट है राइट सेंटर है राइट है जस्टिफाई है, वही चीज यहां भी है, देखो अलाइनमेंट लेफ्ट राइट में करना है तो राइट में हो जाएगा, अगर यहां से जस्टिफाई करना जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि जो यहां पे था ये वाला ना वही चीज यहां पे है। तो आपने पैराग्राफ को भी खत्म कर दिया, अब बचा इंसर्ट एडिटिंग और बचा आपका व्यू, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे और इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इंसर्ट के अंदर पिक्चर पेन ड्राइंग डेट एंड टाइम इंसर्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंसर्ट होता क्या है, मतलब हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को इमेज को डेट को हम इस वर्ड पैड फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, अगर आप नीचे पर यहां पर क्लिक करेंगे नीचे में ड्रॉप डाउन एरो पास तो 3 ऑप्शन पिक्चर चेंज पिक्चर रिसाइज पिक्चर, तो आपको ऊपर में क्लिक करना है। अब आपके पास फाइल खुलेगा, अब यहां से मान लो कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं, एग्जांपल्स में आपने ये इंसर्ट किया, ठीक है ये पिक्चर। अब अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर को मैं चेंज करूं तो आपको क्या करना होगा, सिंपल है, यहां पे इस इमेज पे क्लिक करना होगा, ड्रॉप डाउन एरो पर जाना होगा, चेंज पिक्चर्स पे जाना होगा और यहां से आप अपने पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर पिक्चर पे क्लिक करना है तो रिसाइज पिक्चर, आप चाहो तो पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो, मतलब दोबारा से साइज को दे सकते हो, देखो आप इतना कर दो ये आपका इतना, अब ओके करो, हो गया ना छोटा, तो ये रिसाइज हो गया राइट। अच्छा उसके बाद मान लो कि आप जाते हो पेन ड्राइंग में तो आपके पास पेंट खुलेगा और आप जो भी इसको पहले आप बड़ा कर लो, आप इसमें जो भी करोगे और जैसे ही क्लोज करोगे तो ये आपका इसमें इंसर्ट हो जाएगा, देखो हो गया ना। मान लो फिर से जाओ इसमें और फिर से आप अगर कुछ इसमें काम करते हो और अगर क्लोज करोगे तो ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा, मतलब जो आप वहां पे काम करोगे, मतलब एमएस पेंट में जो काम करोगे वही चीजें आप वर्ड पैड में इंसर्ट कर दोगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है इंसर्ट, है ना। उसके बाद डेट एंड टाइम, अगर आप चाहते हो कि डेट एंड टाइम इंसर्ट करो, जैसे आज है 5 दिसंबर, इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट चूज करो कि आपको किस तरह की फॉर्मेट चाहिए, ऐसे चाहिए कि सैटरडे लिखा हुआ रहे 5 दिसंबर 2020, तो ऐसे करो, मतलब इसके जरिए आप अपने पेज में डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हो, यहां से टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो 10/56, ठीक है ना। उसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट इसमें कर सकते हो, जैसे मान लो आप कोई, जैसे मान लो कि पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट से पर क्लिक करो और आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, आप इसमें कुछ भी करोगे ना और क्लोज करोगे तो वो चीजें इसमें इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी वही चीजें हैं कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो, आपको फोटोशॉप से लेना है कहां से लेना है वहां पर क्लिक करो और इंसर्ट करो, ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा फाइंड है, रिप्लेस है, सिलेक्ट ऑल है,
फाइंड मैंने बता दिया था नोटपैड में, रिप्लेस भी बता दिया था कैसे रिप्लेस होता है, सिलेक्ट ऑल तो सबको ही जानता है कि कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं व्यू के अंदर, व्यू में देखो जूम इन भी पता है, जूम आउट भी पता है, सब सारे ऑप्शन आपको पता है। जैसे ही जूम इन पे क्लिक करोगे पेज जूम होगा, देखो जितना जितने बार आप इस पर क्लिक करोगे उतना जूम होगा, और जूम आउट यहां पे करोगे तो जूम आउट होगा, पेज आपका जो है वो छोटा होता जाएगा देखो। और अगर 100% पे कर दोगे तो आपका ओरिजिनल हो जाएगा जो पहले से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है। ये आपका रूलर्स है, मैंने बताया था कि ये जो आपका रूलर्स है अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, ये रूलर्स गायब हो जाएगा, इस पर करो क्लिक तो आ जाएगा। उसी तरह से स्टेटस बार अगर इस पर क्लिक करोगे, देखो जब ये था तो देखो ये नीचे जो पट्टी है ये वाला ये शो कर रहा है, ये प्लस है, जूम वाला ऑप्शन, जूम इन वाला सब ऑप्शन यहाँ पे है वो गायब हो जाएगा। देखो पट्टा भी गायब और जूम आउट वाला भी गायब, तो चाहते हो गायब करना तो इसको ऑफ कर दो, ठीक है। वर्ड रैप, ये देखो ये है नो रैप और ये है रैप टू विंडोज, एक है रैप टू रूलर्स। इसके लिए क्या करना होगा, मैं वर्ड फाइल को ओपन कर लेता हूं और विन वर्ड में ओपन कर लेता हूं और इसमें से कोई सेंटेंस को कॉपी करूंगा और वहां पर ले जाकर के मैं पेस्ट करूंगा, इसमें वर्ड पैड में मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है ना। मैंने ये कर दिया, अब देखो अब ये है यहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वह है नो रैप, अभी यहां पे क्या है रैप टू रूलर्स, जब यहां पे क्लिक करोगे तो क्या है रैप टू रूलर्स, यानी कि रैप टेक्स्ट टू रूलर्स, यानी कि आपका ये जो टेक्स्ट है वो रूलर्स पर ही है। मतलब देखो जैसे ही मान लो कि आप करोगे रैप टू विंडोज, देखो ये आपका जो टेक्स्ट है वो ये रूलर्स तो यहीं तक है ना, ये लास्ट यहीं तक है, यहां से इतना है तो ये रूलर्स आपका इतना ही है इधर तक, लेकिन इसके बाहर में चलाया क्यों, क्योंकि आपने विंडोज किया, यानी कि जितने दूर में आपका विंडोज है, क्योंकि विंडोज आपका तो ये पूरा है ना, तो ये पूरे में शो कर दिया। लेकिन अगर आप वही करते यहाँ पे रैप टू रूलर्स, यानी कि जितने दूर में रूलर्स है, ये आपका रूलर्स है ऊपर में, तो जितने दूर में रूलर्स है उतने ही दूर में ये लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो रहे। तो अगर आप चाहते हो कि जितने दूर में रूलर्स है उतने ही दूर में टेक्स्ट रहे तो आपको ये वाला चूज करना है, नहीं तो रैप टू विंडो करोगे तो पूरा में हो जाएगा, फिर वही अलग कि नो करोगे तो फिर वो हो जाएगा, ना रूलर्स दिखेगा ना कुछ दिखेगा, पूरा विंडोज खाली दिखेगा। तो जैसा आपको चाहिए कर सकते हो, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आज आपको वर्डपैड पूरा कंप्लीट बता दिया, अब आगे हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है ना। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।